मेडिसिन अवेलेबल। जब यहाँ आप आए थे तो ये खुला हुआ था या ताला लगा? नहीं, ताला बंद था। ताला बंद था, ताला बंद था। ये मेहनत आपने किया? हाँ, ताला बंद था। इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो इक्विपमेंट्स हमने पता कि माइंडसेट चेंज हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर बेटर। देखिए ये चीज जो है मुझे भी पहली बार दिख रहा है, वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य सदर अस्पताल सिवान जाते होंगे वैसा व्यवस्था यहाँ दिख रहा है ना, उससे छाप बढ़िया व्यवस्था अस्पताल सिवान सदर अस्पताल से भी अच्छा है। अच्छा, पैसा लोग नहीं ना लेते? नहीं सर, इसमें चलिए देखिए एक चीज हम दिखा दे आपको। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुसैनगंज, इसमें देखिए ये जो प्रिंटेड मिलता है, जांच जो कराने को है वो प्रिंटेड मिलता है और उस पे डॉक्टर साहब टिक लगा। अगर हम कॉर्पोरेट की तरह कल्चर दे सकते हैं अगर पेशेंट को, यहाँ के गांव के लोगों को लगे कि हम कॉर्पोरेट इलाज करा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इससे प्रेरित साथ ही साथ हमारे जिला पदाधिकारी युवा है, काफी प्रेरित हुआ उनसे, उन्होंने काफी अच्छा मोटिवेशन दिया हमें कि सपोर्ट मिलता है। दिक्कत कराए अब अस्पताल में बहुत हो गई। नमस्कार, अब आप न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं, आप प्रणाम फहीम खान है। देखिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लचर स्थिति में, इस तरह से कहा जाता है कि अस्पताल में व्यवस्था जो है वो लोगों को नहीं मिलती है। सिवान सदर अस्पताल की भी बदहाली और उसकी खासियत भी हम लगातार न्यूज इंडिया तक पर आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम हुसैनगंज में पहुंचे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर एक बार हम आपको दिखाने पहुंचे हैं और पता ये चला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इसकी स्थिति जो है दशा दिशा जो है वो बदल चुका है। यहां जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हुसैनगंज है उनसे बातचीत करेंगे, दशा दिशा की बातचीत करेंगे, लोगों से जरा सा जानकारी लेंगे कि व्यवस्था अब जो है वो हुसैनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति कैसी है, क्योंकि पहले भी ये अस्पताल जो है वो चलता था लेकिन लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मिशन 60 के तहत तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने उसके बाद भी लगातार अस्पतालों की स्थिति सुधारने की कोशिश की गई, कई जगह पे स्थिति सुधरा लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां स्थिति जो है वो लचर है। आइए एक बार अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। सूचना ये मिला है कि पहले लगभग 40 से 50 ओपीडी चलते थे और आज ये बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा डेली जो है ओपीडी देखा जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंशु अंकित है जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बताया कि अस्पताल की स्थिति अब कैसे बदली है, कितना मेहनत करना पड़ा? मैं ज्वाइन किया था यहाँ उसमें 40 पेशेंट्स पर डे हुआ करते थे, राइट नाउ आज 100 अबव पेशेंट्स हैं, मींस कभी 120 है कभी 130 भी है। और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम पेशेंट्स यहाँ आए, क्योंकि गरीब जो हैं जिनको हम पैसे जिनके पास नहीं है वो इलाज कराना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे कहाँ? सरकारी सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो उनका हम फायदा उन तक पहुँचाना चाहते हैं। इसके लिए मुझे जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है, जो लोगों से बात करना पड़ता है, मैं पर्सनली लोगों से बात करता हूँ, जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले रहा हूँ, मिल भी रहा है। इसका प्रतिफल ये है कि आज डेली ओपीडी जो है हमारा वो 40 से बढ़कर के 120 के आसपास 125 के आसपास चला जा चुका है। और फर्दर हमारी प्लानिंग है कि ये 125 तो वो छोटा सा आंकड़ा है, लक्ष्य हमारा। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कोई ऐसा ऐसा दिन आता है जहां 300 ओपीडी देखे जाए। हमारे यहाँ पमशा होता है जिसमें प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान होता है, चलता है, इसमें की पहले संख्या हमारी 120 130 हुआ करती थी, उसमें आज 400 हम लोग पहुंच चुके हैं और 400 300 ये संख्या आ रही है। एक बड़ा ही अंदर से पहले भी कई ऐसी तस्वीर हुसैनगंज सामुदायिक केंद्र की आई जिसमें तस्वीर में देखा गया कई ऐसे रूम जो है जिसमें ताला लगा रहता था, वो ताला खुल चुका है या ताला खुला ही नहीं है? हम लोगों ने यहाँ का पैथोलॉजी स्टार्ट करा दिया है, हमारे यहाँ डेंटल ओपीडी चलती है, हमारी रेगुलर ओपीडी चलती है, हमारे इमरजेंसी सर्विसेज हमारे 24/7 अवेलेबल है, हमारे डिलीवरी की जो इम्प्रूवमेंट है वो हमने किया है। एक ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है कि लोग आना क्यों नहीं चाहते, वो दिखाएंगे हम लोग। थोड़ा सा पहले हम दर्शकों से बातचीत करें, ये जो मरीज जो है इनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं। चाचा ये बताइए कि अभी जो अस्पताल है कितना बदला है? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा बदला है। मैं हर हमेशा विकलांग का सेवा करता हूँ, फ्री सेवा, विकलांग संघ के जिला अध्यक्ष है, मेरा नाम है हफीजुल्ला उर्फ शेख अब्दुल्ला। हम जिला में भी जाते हैं, वहाँ भी सुविधा लेते हैं, ब्लॉक में आते हैं। अस्पताल सिवान जाते होंगे वैसा व्यवस्था यहाँ दिख रहा है ना, उससे छाप बढ़िया व्यवस्था है। अस्पताल सिवान सदर अस्पताल से भी अच्छा है। नजदीकी हमारा समान है, अझोरा में समान है, लांगड़ा के गाँव गई दुकान है,
हम होम डीलर होम सर्विस काम करते हैं। इंडिया टच, जापानी टच, लैंप चार्जर, लंगटन चार्जर, मोबाइल चार्जर बनाते हैं। आरसीएम कंपनी के गैस के दवा खाते हैं। ठीक है, अस्पताल अस्पताल कैसा है? अस्पताल बहुत दवा वगैरह सब मिल सब चीज फिर जाँच होता है। जाँच होता ये बदलाव कब हुआ है, कितने दिनों से? ये सर ये तो हमको तो 2004 से हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ यहाँ जो बदलाव अभी दिख रहा है ये कितने दिनों से? सर ये कैंप लगा था ना, उससे पहले से भी हम आते हैं। दो चार महीने। हाँ, दो चार महीने। चाची कब से आती हैं यहाँ इलाज कराने? हमें कितना ये ठीक करे करना है सर, क्या कागज बनवाने? कागज बनवाने ही बताई कि पहले से व्यवस्था सही हो गई पहले दिक्कत होते रहे ना? पहले दिक्कत रहे, अब रोल के अस्पताल में सुविधा बहुत सुविधा हो गई। चलिए थोड़ा सा कुछ और महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ओपीडी से पकड़े हुए तमाम जो डिपार्टमेंट है वो तमाम हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चाची कब से जी अवेलेबल रहूंगा अस्पताल में? कब से अवेलेबल बन जाए? व्यवस्था कैसा बा? साफ सफाई? हाँ खूब अच्छा। अच्छा बा, चलिए आइए डॉक्टर साहब थोड़ा सा देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज कैसा क्या व्यवस्था है और जो महिलाएं हैं इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुसैनगंज की स्थिति कैसी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलवासा जी। बिलवासा, क्या नाम हुआ? चंपतु। अस्पताल की स्थिति कैसी है? ठीक है। पहले से कुछ बदला है? नहीं बदला है। पहले से नहीं बदला है, क्या स्थिति है? बहुत पहले से बदला है। हर चीज मिल रहा है, दवाई मिल रहा है, टेस्ट हो रहा है। स्टेथो लगा लीजिए डॉक्टर साहब। ये हम शुगर की हमारा शुगर जांच है। अच्छा अच्छा। 390 अभी भी जांच करवाना है, फिर भी डॉक्टर साहब ने देने। बताइए आप बताइए कैसा ठीक है? पहले से देखिए एक चीज ये देखने को मिलता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुसैनगंज हुसैनगंज से जांच के लिए देखिए ये प्रिंटेड मिलता है कि कौन कौन से जांच कराने हैं। डॉक्टर साहब ने टिक लगाया है रैंडम सैंपल के लिए, यानी कि शुगर का इनका जांच हुआ है। और ये जो है देखा है बहुत शौक से, एक महीने के बाद फिर बुलाए हैं। कौन बुलाया है? प्रभारी सर ने यहाँ का। एक महीने बाद में से जो खुद वो देखे जी, वही देखे हैं, मुझे दवाई लिखे हैं, पर्ची अंदर लगाया हूँ अभी से ठीक है डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि जांच करवाना है मेरे को, फिर शुगर जांच करवाना है और ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसका पैसा वगैरह भी लेता है लोग? नहीं सर, पैसे तो नहीं लिए। ऐसा नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं दे दिया था सर मैंने पैसे, 2 रुपये। अच्छा, तो मुझे किसी ने वो तो लगेगा ही। नहीं नहीं, मैं 62 साल का हूँ ना मैं सर। अच्छा, नहीं सब माफ कर, यहाँ पे किसी ने बता दे आपका माफ नहीं, वो नहीं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पर्ची जो है इस पे पैसा लोग नहीं ना लेते? नहीं सर, इसमें चलिए देखिए एक चीज हम दिखा दे आपको। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुसैनगंज, इसमें देखिए ये जो प्रिंटेड मिलता है जांच जो कराने को है वो प्रिंटेड मिलता है और उस पे डॉक्टर साहब टिक लगाते हैं। और आप स्वास्थ्य केंद्र में जाइएगा, वहां जाने के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि वहां आपको हाथ से लिख के देंगे डॉक्टर, और वहां भी चेकअप के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि यहाँ अब पैथोलॉजी भी शुरू हो चुका है, क्योंकि हर अस्पताल में ये कंडीशन रखा गया है कि वहां शुरू कराया जाए। कई ऐसे अस्पताल है जहां इक्विपमेंट है लेकिन होता नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये आने के बाद कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग अच्छे काम करते हैं, परेशानी बहुत होती है। इसको तो मैं सब लोगों ने सहयोग किया है, हमारे मैनेजर साहब ने भी सहयोग किया है और हमारी पूरी टीम अच्छा काम करती है, जिसकी बदौलत आज हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें पूरे सहयोग मेरी पूरी टीम कर रहा है, हमारे बीएमई का रोल रहा है, हमारे बीएचएम का रोल रहा है, तो सब लोग अभी हम लोगों ने व्यवस्था किया है। जैसे मैंने बेसिक वर्क पे ध्यान दिया है कि लोग कॉपरेट क्यों जाते हैं। कॉर्पोरेट इससे जाते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखता है, सफाई दिखती है, वेल कल्चर्ड मैंने में रिपोर्ट मिलता है। चलते चलते बात करते हैं और भी मैं डिपार्टमेंट इसको बताना चाहता हूँ कि वो उस कल्चर को मैंने ऑफ किया है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसके तहत हमने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट किया है, उसके तहत हमने इनवेलप देना स्टार्ट किया, तो उसका एक एग्जाम्पल है, मैं इनवेलप दिखाना चाहता हूँ। जी जी, आपको इनवेलप मिला है? कहाँ है? ये आप जाएंगे तो जो ब्रांडेड कंपनीज हैं जो पैसे देती रहती हैं, 2000 रुपये लेती हैं, तो वो क्या करती हैं कि एक किस तरह का एनवेलप देती हैं, तो वो कल्चर ताकि उनको फील हो कि हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह बिहेव करती है, इसलिए हमने ये एनवेलप भी दिया है ताकि माइंडसेट चेंज हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर बेटर देन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। देखिए ये चीज जो है
मुझे भी पहली बार दिख रहा है, वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। सिवान सदर अस्पताल भी जाइएगा तो वहां भी जो आपको पर्ची मिलेगा, वो पर्ची मुझे लगता है कि आप पॉकेट में रखेंगे तो पसीना से वो फट जाएगा, इतना बारीक होता है। लेकिन यहाँ देखिए इनवेलप भी दिया जा रहा है, व्यवस्थाएं जो है वो बदल रही है। क्या ये मिशन 60 का ही देन है क्या कि जो धीरे धीरे बदल रहा है? मैं प्रेरित हूँ कि आम जनता को जो कॉर्पोरेट के नाम पे लूटे जाते हैं, मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, मैंने एयरपोर्ट में भी काम किया, तो वो कल्चर्स मैंने देखा है। मुझे लगा है, एक ही बात लगा कि वो आम जनता को क्यों नहीं दे सकते हम, छोटी सी अमाउंट है, छोटा सा हमारा एफर्ट है, उसके बदले अगर हम कॉर्पोरेट की तरह कल्चर दे सकते हैं, अगर पेशेंट को यहाँ के गाँव के लोगों को लगे कि हम कॉर्पोरेट में इलाज करा रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इससे प्रेरित साथ ही साथ हमारे जिला पदाधिकारी युवा हैं, काफी प्रेरित हुआ उनसे, उन्होंने काफी अच्छा मोटिवेशन दिया हमें कि सपोर्ट मिलता है उनका। साथ ही साथ हमारे तेजस्वी जी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफी यंग हैं, उनसे भी हमें काफी उम्मीदें हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो करना चाहते हैं तो हम अगर नहीं करेंगे तो हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपका सर? ये हमारा डेंटल ओपीडी है। अच्छा, देखिए डेंटल ओपीडी भी चल रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की व्यवस्था होना। हम स्कैनिंग भी करते हैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, दोनों ही चीज हमारा है और आम जनता के लिए ओपन है, हमारे सारे मेडिसिन अवेलेबल। जब यहाँ आप आए तो ये खुला हुआ था या ताला? नहीं, ताला बंद था। ताला बंद था, ताला बंद था, ये मेहनत आपने किया? हाँ, ताला बंद था, इक्विपमेंट्स नहीं थे, वो इक्विपमेंट्स हमने परचेज कराए हैं। उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर साहब थे, लेकिन हमारा ये अनफॉर्चुनेटली हमारा डेंटल ओपीडी फंक्शनल नहीं था। ये हमारा प्रयास रहा कि डेंटल ओपीडी यहाँ फंक्शनल हो जाए और हमने डेंटल ओपीडी को फंक्शनल करा लिया। चलिए थोड़ा सा डिलीवरी रूम देखेंगे, कितना डिलीवरी होता है? एक और लैब की तरफ ले। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। जी ये लैब है, कितने दिन पहले इसे शुरू किया गया? बस मेरे आने के बाद, उसके पहले सारी मशीन्स थी यहाँ पे बट बंद पड़ी हुई थी। चलिए व्यवस्थाएं जो है वो बदल रही हैं, मिशन 60 से भी प्रेरित हुए हैं, तेजस्वी जी से भी प्रेरित हुए। चलिए थोड़ा सा आगे दिखाएंगे, डिलीवरी रूम किधर है? चलो उसकी साफ सफाई अगर प्रेजेंट वहाँ ना हो तो मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि देखिए वो जो मामला है वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाती है खासतौर में, वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की व्यवस्था जो है आप आए वो कैसी है। आइए अंदर चलते हैं और डिलीवरी रूम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अगर पेशेंट ना हो तभी हम लोग वहाँ चलेंगे। जी ये वही रिनोवेशन चल रहा है इसमें। जी जी, अभी हम लोग पेंटिंग वर्क हो रही है। जी, क्योंकि स्लोली स्लोली कर सकते हैं, पेशेंट को रोक नहीं सकते। आई वार्ड में आइए इंचार्ज। ये हमने कर्टन लगाया है सर, वार्ड है ये पेशेंट के लिए, जो फीमेल, ये हम जो कॉर्पोरेट में देखते हैं कि वहाँ की लुक्स बेहतर होती हैं, कर्टन्स होते हैं, लोगों को अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, तो लोगों के लिए हमने कर्टन्स हर जगह अरेंज कराया है। उनको ये फील होना चाहिए कि हम एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर में हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं है। जो हम कर सकते हैं हम उसका प्रयास करते हैं। अच्छा, और भी जो प्रभारी हैं, चिकित्सक पदाधिकारी हैं, उनसे आप क्या एक अपील करेंगे? मैं अपील तो नहीं कर सकता, सब हमारे सीनियर होंगे या कलीग हैं, बस मैं यही कहूंगा कि सब अच्छा करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं इसमें और कितना बदलेंगे इस समय, मैं अपने कार्यों के बारे में बोलूंगा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ रुकना नहीं है। एक डॉक्टर के नाते, एज ए मैं MOIC हूँ, उसके नाते अगर मैं इस हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर खड़ा कर सकता हूं तो उसकी पूरी कोशिश होगी। इसके लिए मुझे 24 घंटा काम करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा, करता आया हूं, करता रहूंगा। एयरपोर्ट में भी आपने बहुत मेहनत किया है, वहां से भी कई सारे अवार्ड आपने लिया है, यहां भी 15 अगस्त के दिन जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने आपको सम्मानित किया, कैसा लगा सम्मानित होकर के? हमें बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारा धर्म है, जो चिकित्सा सेवा हमने चयन किया है ये हमारा धर्म है और इसमें कोई कोताही हमें बर्दाश्त नहीं है। नाम भ्रष्टाचार को भी मैं साथ इसमें बिल्कुल नहीं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आम गरीब जनता जो एक जो सुविधाओं से अलग हटी पड़ी है, उनके लिए वो सुविधाएं जो सरकार दे रही है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाना चाहिए। चलिए डॉक्टर अंशु अंकित हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से हमने हुसैनगंज अभी पहुंच करके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर आपको दिखाई है, न्यूज इंडिया तक पर लगातार हमने सिवान सदर अस्पताल की बदहाली तो दिखाया है लेकिन आज कुछ हकीकत दिखाने हम पहुंचे हैं हुसैनगंज। देखिए एक बार तस्वीर देखिए, कितने अच्छा जो है कि सिस्टम रखा गया है, बेड जो बड़े बड़े अस्पतालों में आपको जो सिस्टम मिलेगा वो सिस्टम अब सरकारी अस्पताल में मिल रहा है। देखिए सिवान सदर अस्पताल की स्थिति
क्योंकि लगातार हमने दिखाया है कि किस तरह से गर्मी से लोग परेशान होते हैं, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि सिवान सदर अस्पताल से भी बेहतर अगर साफ सफाई और तमाम व्यवस्थाएं देखी जाए तो हुसैनगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तमाम तस्वीरें आपने देखी। आपकी क्या कुछ इस पर राय है, पूरी कहानी आपने सुन ली कि किस तरह से ये बदल रहा है। न्यूज इंडिया तक आज पहुंच करके यहाँ जांच पड़ताल की, डॉक्टर जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आपने पूरी बात सुनी है। एक और आपकी जी बताइए। एक और मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो बच्चियां जन्म लेती हैं, लोग बच्चियों को के लिए आप सुन रहे होंगे कि भ्रूण हत्याएं होती हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि बच्ची हो गई तो लोग चाहते हैं कि हम बच्चे को जन्म नहीं लेने दें, और अल्ट्रासाउंड पे भी बहुत सारा प्रतिबंध इसी वजह से लगा था कि भ्रूण हत्या पर हर जगह रोक लगे, इसके लिए भ्रूण हत्या कम से कम हो, लोग नहीं जाने उसमें अवेयरनेस है। तो हमने एक विचारधारा बनाने की कोशिश की है यहाँ पे कि जो बच्चियां हैं, हम जो जिसके घर बच्ची जन्म ले रही है उसको हम बधाई देते हैं कि देखो आपके घर बच्ची जन्म ली है। जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हमने ये एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है, हम बच्चियों को उनके परिवार को उनके माँ को उनके पापा को एक हमारे तरफ से बधाई पत्र मिलती है ताकि आप बच्ची आपके घर आई है, लक्ष्मी आपके घर आई है, ये हमारे तरफ से बधाई पत्र उनको होता है। चलिए देखिए ये भी एक तस्वीर अनोखा है, मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ जो तमाम तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की वो शायद अलग अस्पतालों से अलग है। जो सिवान सदर अस्पताल में आपको सुविधा नहीं मिलता है वो तमाम सुविधा देखिए, ये बधाई पत्र का जो सिस्टम यहाँ शुरू किया गया है, मुझे लग रहा है कि ये पहला कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवान में होगा जो कि इस तरह का काम कर रहा है। और देखिए यहाँ तमाम तस्वीरें हमने दिखाई, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्था पे चर्चा हमने डॉक्टर से, यहाँ जो डॉक्टर अंशु अंकित है उनसे हमने चर्चा किया। आपने पूरी कहानी सुना है, पूरी बात आपने सुना है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल मासा मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और पीआरपी भी होता है। चेहरे की गड्ढों को लेसर मशीन से भरना या लेसर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास।